हेलो दोस्तों, एसीएल लिगामेंट बार बार कंधा उतरना और हिप रिप्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल से मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सब प्रॉब्लम्स ऐसी है कि इनका जो इलाज है वो सरकारी अस्पतालों में सस्ता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी रहती है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्चा दो दो तीन तीन चार चार लाख है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में जो मेरा चैनल है वो एक उम्मीद की किरण है, जहाँ पर कि जो इलाज है वो सस्ता हो रहा है, बार बार आना नहीं पड़ता और गारंटी पूरी रहती है। आज भी इंडिया के काफ़ी कोनों से, अलग अलग राज्यों से आए हुए मेरे पास फाइटर्स हैं और इन सब की जो स्टोरी है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? पुण्यराम सर। इसको माइक। पुण्यराम सर। पुण्यराम जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? हिमाचल प्रदेश मंडी जिला के सर। क्या दिक्कत आ रही थी आपको जिसके लिए आप मेरे पास आए थे? सर, मेरा शोल्डर बार बार उतर रहा पिछले 15 सालों से। सर, आपने वहाँ पे रिसर्च की थी क्या? क्या बताया था डॉक्टर्स ने वहाँ पे? डॉक्टर के वहाँ रिसर्च किए थे, MRI निकाला था, उन्होंने बताया था लगभग इसका खर्चा बता रहे थे बहुत ज़्यादा, 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा बता रहे हैं। तो एक बार तो आपका दिल ही टूट गया होगा कि शायद मैं ज़िंदगी में कभी इलाज नहीं करा पाऊंगा। जी सर। हाँ। आपको मेरे बारे में जानकारी कैसे लगी? YouTube से सर। तो आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि कहाँ तो कोई 2.5 लाख मांग रहा है और कहाँ कोई 50-60 हज़ार में कर रहा है, तो ये आदमी इतना सस्ता कैसे कर रहा है? जी सर, ये हुआ तभी तो इतनी दूर आ पाए। हमने जब वीडियो देखी थी आपकी यूट्यूब के माध्यम से, वो वहाँ से देखकर हम यहाँ आ गए। फिर तो कैसा लगा आपका यहाँ का एक्सपीरियंस? ऑपरेशन में तो दर्द के मारे चीख ही निकल गई होगी आपकी? नहीं सर, बिल्कुल हल्का सा दर्द हुआ। तो आप सेटिस्फाइड हो यहाँ के इलाज से? बिल्कुल सर। इनको दो। आपका नाम क्या है भैया? दिनेश शर्मा। दिनेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? आगर, MP। आपका जो कंधे की जो दिक्कत थी वो कितने टाइम से थी आपको? सर, ये दो एक साल के लगभग। तो आपने आसपास में वहाँ दिखाया था MP में? दिखाया था, बिल्कुल। तो वहाँ पे आप इलाज का डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे थे? सर, वहाँ खर्चा इतना बता रहे थे। तो एक बात बताओ, खर्चा फिर सरकारी अस्पताल में करा लेते, वहाँ फ्री में हो जाता? सरकारी में कम से कम 1 महीने का समय मांग लिया था। अच्छा। भर्ती हो वहाँ पे 1 महीना 20 दिन 25 दिन निकालना पड़ते थे। यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अस्पताल में? कई बार लोग बोलते हैं कि YouTube पे बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, तो कैसा? सर, एक बार का जब YouTube पे देखा था तो विश्वास कम हुआ था, फिर जैसे आपसे कांटेक्ट हुआ, फिर यहाँ आने पे तो इतना विश्वास हो गया 100% की बिल्कुल 100। बेटा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। क्या दिक्कत थी आप जिसके लिए आए थे? सर, मेरे कूल्हे में दिक्कत थी। कब से दिक्कत थी आपको कूल्हे में? अभी 2 साल से और ज़्यादा दिक्कत थी। तो यहाँ के बारे में आपको जानकारी कैसे लगी थी? सर, यूट्यूब के माध्यम से। आप भी गए थे सरकारी अस्पताल में, वहाँ पे आप क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे? सर, वहाँ पे एक्सरे से ही मेरे में पता चल गया कि कूल्हे का ऑपरेशन होगा, तो मैं यूट्यूब में आपका वीडियो देखी तो बस आगे। कैसा रहा ऑपरेशन का एक्सपीरियंस? कितना दर्द होता है ऑपरेशन में? दर्द कोई एक भी नहीं होता सर, बहुत अच्छा है। बेटा, आप कहाँ के रहने वाले हो? महेंद्रगढ़, हरियाणा से। अच्छा। आपको जो घुटने में लिगामेंट की चोट थी वो कैसे लग गई थी? सर, चेयर पे रख के कुछ सामान रख रही थी ऊपर। अच्छा। तो यहाँ पे जो आपका ऑपरेशन का एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? कितना दर्द वाला ऑपरेशन है ये लिगामेंट का? ऑपरेशन में तो बिल्कुल भी दर्द नहीं है। आप ये बोलोगे क्योंकि जैसे कोई हरियाणा का लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो लिगामेंट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे आ सकते हैं? हाँ जी सर, जो भी होगा, जिसके भी लिगामेंट, मैं खुद बताऊँगी जिसको भी होगा उसको, कि सर के पास जाए एक बार विजिट जरूर। इनको क्या नाम है भैया आपका? सोनू। ओमकेश जसवाल। ओमकेश, आप कहाँ के रहने वाले हो? गोरखपुर, UP। आपको लिगामेंट की चोट कैसे लग गई थी? सर, 5-7 फीट का हाइट था, उसी पे जम किए थे, वही लिगामेंट थोड़ा मेरा ब्रेक हो गया। तो आप यूपी से इतनी दूर, गोरखपुर से कुशीनगर देवरिया काफ़ी सारा एरिया है, वहाँ से छोड़ के इतना दूर क्यों आए? सर, आपका ट्रस्ट था, हमको सारा वीडियो मैंने आपका देखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे आए हैं जयपुर में। जब आप यहाँ पे पहुँचे अस्पताल को, आपने देखा तो आपके मन में ऐसे आया कि ये तो छोटा अस्पताल है तो यहाँ पे मेरा इलाज अच्छा होगा कि नहीं? नहीं, आपसे मुलाकात हो गई, संतुष्टि मिल गई सर। कैसा रहा ऑपरेशन का एक्सपीरियंस? बहुत बेहतरीन। अच्छा, आपको लग रहा है कि अच्छी रिकवरी आ जाएगी आपको? एकदम अच्छी रिकवरी भी आ जाएगी, दर्द भी नहीं हुआ, ऑपरेशन भी मेरा बढ़िया से हो गया अच्छे से। बेटा, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम मुकेश मोरे है, मैं महाराष्ट्र से हूँ सर। तुमच्या जे गुडघ्याचा त्रास येते कशाला झाला होता तुम्हाला? सर, मी इंदोर जात होतो तर बसचा हे झाला, समजा ॲक्सिडंट, तर लिगामेंट तुटलं होतं। काय त्रास होता तुम्हाला त्याच्यामुळे? सर, पेर बेंड नाही होता आता, और चलते समजा थोडा पेहले असं लचक व्हायचं होतं। महाराष्ट्रमध्ये तिकडे दाखवला होता का तू? नाही सर, मी कोणता डॉक्टर पहिला तुमचा व्हिडिओ पाहिला, फिक्स केला की मी डॉक्टरांकडेच करेल ऑपरेशन असं। इकडचा एक्सपिरियन्स कसा झाला तुम्हाला? चांगलाच आहे एक्सपिरियन्स, स्टाफ बी अच्छा आहे। आणि ऑपरेशनमध्ये कितना पेन झाला होता तुम्हाला? कुछ पेन नाही हुआ सर। क्या नाम है भैया आपका? सर, मेरा नाम दीपक है, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। दीपक, आप किस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए थे? सर, मेरा लिगामेंट टियर हो गया।
तो आप इतनी दूर गाजीपुर से क्यों आए? आप वहीं पे इलाज क्यों नहीं करवाना चाह रहे थे? सर, हमारे गांव में एक लड़का यहीं से करा के गया था और मैं यूट्यूब पे वीडियो भी देखा, उसके बाद आपसे बात हुआ, फिर मैं यहाँ पे आया था। तो आपको ऐसा नहीं लगा मैं पास में ही दिखा लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? बार बार दिखाने का झंझट अगर हुआ तो फिर मैं परेशान हो जाऊँगा। नहीं सर, विश्वास था आप पे और वो लड़का भी करा के गया था, अभी बताया कि वैसा डॉक्टर आपको कहीं नहीं मिले। आपका क्या नाम है बेटा? सर, मेरा नाम मोनू कुमार है। मैं भदोही के पास रख लो। मैं भदोही उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। किस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए थे? कूल्हे का हिप रिप्लेसमेंट। तो गांव में तो लोग कहते हैं कि जब भगवान का बनाया कूल्हा ही नहीं चला तो फिर ये इंसान का बनाया कूल्हा कैसे चलेगा, तो आप कैसे हिप रिप्लेसमेंट के लिए तैयार हो गए? अरे सर, बहुत मतलब बताए थे कि मतलब इतनी दूर जा रहे हो, पता नहीं सक्सेस होगा या नहीं होगा, यही करवा लो, पैसे ज़्यादा लग जाएंगे चलेगा। मगर मैं 2-3 महीने से वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर आपका, इसलिए मैं यहाँ पे। जो कई बार लोग बोलते हैं कि सर पिक्चर के टेलर तो बहुत अच्छा दिखाते हैं और जब पिक्चर देखने जाते हैं तो ख़राब निकलती है, तो वैसा तो नहीं हो गया आपके साथ यहाँ पे टेलर? जी नहीं। जो आपने यूट्यूब पे देखा और जो रियलिटी में देखा, कैसा अंतर लगा आपको उसके अंदर? ठीक लगा। और ऑपरेशन में कितना दर्द होता है कूल्हा बदलने में? कुछ नहीं दर्द हुआ। आपका क्या नाम है बेटा? सर, मेरा नाम वसीम अख्तर है। वसीम, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी महाराजगंज जिले से हूँ। आप यहाँ पे किस चीज़ के लिए दिखाने आए थे? सर, ACL का मेरे पैर में बार बार लचक आ रही थी, दिक्कत आ रही थी सर। तो आप वहीं पे महाराजगंज में या जैसे नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है वहाँ पे आसपास क्यों नहीं इलाज करवाना चाह रहे थे? सर, वहाँ गारंटी वारंटी का कोई सिस्टम नहीं था और आपकी वीडियो में देखा तो वीडियो में कुछ सच्चाई दिखी और वहाँ आप गारंटी के साथ इलाज करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया। ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है इसमें? सर, ऑपरेशन करने में 45 मिनट करीब करीब। आप जो मन में, आदमी जब किसी को पता चलता है कि भाई मेरा ऑपरेशन होने वाला है तो एक बार तो उसका दिल बैठ जाता है कि पता नहीं क्या होगा, आपका ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जैसा आपको डर था और जैसा हुआ? सर, ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं होता है सर। कोई लोग हैं जिनका लिगामेंट टूटा हुआ है और आप डर रहे हैं कि पता नहीं मैं ऑपरेशन कराऊँ नहीं कराऊँ, तो आप क्या मैसेज उनको दोगे? मैं बोलूँगा कि आएँ यहाँ पर जयपुर, यहाँ पर इलाज करवाएँ, बेहतर होगा। आपका क्या नाम है भैया? शिव शांत। बेटा, आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार गया। आपको लिगामेंट की चोट कैसे लग गई थी? खेलने में लग गई थी सर। क्या दिक्कतें आप महसूस कर रहे थे? दौड़ने में लचक आता था और दर्द देता था। तो आपने वहाँ बिहार में दिखाया था, क्या राय थी वहाँ पे डॉक्टर्स की? वहाँ डॉक्टर साहब कोई भी रिस्क नहीं लेते कि कब तक ठीक हो गए, बस बोले ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन अच्छा, दौड़ने का गारंटी मतलब नहीं ले पा रहे थे। हाँ, नहीं ले पा रहे। जब आप यहाँ पर आए तो आपको जो ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस था वो किस प्रकार का रहा? जो आप सोच के आए थे वैसा लगा या कुछ अलग लगा? नहीं सर, उससे बहुत बढ़िया रहा सर। अच्छा, चार्जेस वाइज कितना अंतर लगा आपको बिहार और यहाँ के चार्ज में? चार्ज में लाखों रुपए का अंतर है सर। 1 लाख रुपए का? जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हेलीकॉप्टर भी किराए पे ले लेते 50,000 रुपये में और हेलीकॉप्टर से आते और हेलीकॉप्टर से ही जाते तो भी 50,000 रुपये तो बच ही जाते? जी सर। आपका क्या नाम है भैया? सर, नीरज नाम है। नीरज भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर, दिल्ली रोनी से। तो यार ये सब तो चलो कोई बात नहीं, दिल्ली तो बड़ी जगह, आप दिल्ली छोड़ के यहाँ पे आ गए? सर, 1 साल से इलाज करवा रहे थे सर और 1 साल में कुछ किया ही नहीं, गलत दवाई खिला दी। आपकी शायद टीबी की भी दवाई दे दी थी आपको? जी सर, 1 साल तक सर। तो आपको जब मेरे बारे में पता चला तो आपको लोगों ने रोका नहीं कि आप दिल्ली छोड़ के कहाँ राजस्थान जा रहे हो? लोग तो राजस्थान से दिल्ली आते हैं। नहीं सर, आपको देख के थोड़ा मोटिवेट हुआ और दिल्ली में सर इतना चार्जेस बता रहे थे और मेरे को यहाँ के और दिल्ली के चार्जेस में कितना अंतर है? सर, कम से कम 60% का। इनको दो। क्या नाम है भैया आपका? राधेश्याम पंडित। राधेश्याम पंडित, आप किस काम के लिए यहाँ पे आए थे? घुटना जाम हो गया था, उसको मिलवाने के लिए। आपने ऑपरेशन कहाँ करवाया था? ऑपरेशन नेपाल में करवाया था। नेपाल में करवाया। तो आप जब घुटना नहीं मुड़ रहा था तो एक बार तो आपने उम्मीद ही छोड़ दी होगी कि पता नहीं अब मेरा जिंदगी में कभी घुटना मुड़ेगा कि नहीं। जी। तो नेपाल तो बहुत दूर है, वहाँ से आप इतनी दूर आने को तैयार हो गए इलाज के लिए? वीडियो आपका देखा तो मैं सोचा यहीं जाएगा, दूसरी जगह नहीं। आप जब यहाँ पर आए थे कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका आपका? सही है। कितना मुड़ा पहले से, कितना फ़र्क पड़ा है? पहले से बहुत फ़र्क। सेटिस्फाइड हो आप यहाँ पे आने के? कोई नेपाल के कोई और लोग होंगे तो उनको यहाँ भेजोगे क्या? हाँ। बेटा, आपका क्या नाम है? सर, मोहम्मद फैज आलम। मोहम्मद फैज, आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी अमरोहा। आपका शायद एक साइड का हिप रिप्लेसमेंट तो अपन ने 3 महीने पहले किया था और एक का आप दोबारा करवाने अभी आए हो। जी सर। तो ये 3 महीने के दौरान जो हिप रिप्लेसमेंट आपका हुआ, इससे आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? सर, बहुत सारे आए, बहुत बढ़िया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सेटिस्फाइड हो आप? जी सर। तो गांव वालों ने जो आपको रोका था जब पिछली बार जब आप आ रहे थे, इस बार भी रोक रहे थे कि अब मत जाओ, पहली बार तो चलेगा, अब मत जाना इस बार? सर, मना कर रहे थे काफ़ी लोग। क्या कह रहे थे? कि वहाँ सही नहीं है, वीडियो में ऐसी कर देंगे। नहीं, इस बार तो सक्सेस हो गया था, फिर भी नहीं मान रहे क्या अभी भी? वो नहीं सर।
दोस्तों कई लोग अपनी बातों को बदलने को तैयार नहीं होते, लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आप रिसर्च करिए, जल्दीबाजी में कोई फैसला मत करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है हिप रिप्लेसमेंट या बार बार कंधा उतरना या लिगामेंट का, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करिए और हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, आप सब लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस।